हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम नंबर मैजिक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 7 चैप्टर नंबर 18 एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड पावर्स के नेक्स्ट एक्सरसाइज 18 सी के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन और उनके आंसर देखेंगे। आइए देखते हैं 18 सी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लॉज देखेंगे, जिसमें ए दी पावर एन मल्टीप्लाई ए दी पावर एम, तो हमारा ए दी पावर एम प्लस एन होगा। इट मीन्स अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में, तो बेस वही रहेगा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही अगर पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और पावर सेम का वन टाइम लिख देंगे। फिर थर्ड रूल्स कह रहा है, अगर पावर बेस के ऊपर पावर है और उसके ऊपर भी पावर है तो यह पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होकर लिखेंगे। अगर हमारा जो टर्म है वो पावर डिवाइड में दिया है, पावर अलग अलग नहीं सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो एक बेस करेंगे और सेम पावर को वन टाइम लिखेंगे। फिफ्थ हमारा रूल कहता है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, डिफरेंट पावर आपस में माइनस होंगी, डिफरेंट पावर को आपस में माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 18 सी के क्वेश्चनों को और इन लॉस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंशियल सिंप्लीफाई राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 11 दी पावर 2 एंड 11 दी पावर 3, तो यहाँ पे हमारा बेस क्या हुआ 11, पावर अब हम क्या करेंगे m और n के फॉर्म में लेंगे, तो बेस a ले लिया हमने, पावर n 2 m 3। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ए दी पावर m मल्टीप्लाई ए दी पावर n, दोनों पावर आपस में ऐड होंगी तो 3 और 2 ऐड हो जाएंगे लेकिन बेस वही रहेगा, तो 11 दी पावर 5। सेकेंड क्वेश्चन में, अब सेकेंड में एक और एक्स्ट्रा आ गई है पावर, लेकिन यहाँ पे बेस हमारा क्या है, बेस हमारा सेम है, बेस क्या है 5, पावर 3 4 एंड 5, तो m n और l ले लेते हैं, तो बेस अगर सेम है पावर डिफरेंट है तो क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 5 दी पावर 12। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में बेस हमारा -3 एंड पावर 5 एंड 3 5, m ले लेते हैं 3 को n, तो आपस में ऐड हो जाएंगी तो क्या होगा, -3 दी पावर 8। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में बेस हमारा a -7 पावर m n और x ले लेते हैं, बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है, लो 1 लगेगा इसमें। फिफ्थ में भी हमारा लॉ 1 लगेगा जिसमें हमारा बेस 5/7 होगा, पावर आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही सिक्स क्वेश्चन में बेस -3/7 पावर 4, 8 और 11, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, बेस -3/7 पावर 4 + 8 + 11, कितना हो जाएगा 4, 8, 12 एंड 11 यानी कि 23, तो -3/7 कितनी आ जाएगी हमारी 23। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अब इसमें हमारा डिवाइड का रूल होगा, जो सबसे लास्ट का रूल था कि अगर बेस सेम दिया हुआ है और डिवाइड में है तो पावर क्या होंगी, आपस में माइनस होंगी, तो यहाँ पे 12 दी पावर 13 दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 13 दी पावर 3, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर आपस में माइनस होंगी, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 दी पावर 5। सेकेंड क्वेश्चन में बेस -5 पावर और डिवाइड में है तो 11 - 5, सेकेंड थर्ड रूल लगाएंगे हम इसमें, तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो 11 दी पावर कितनी आ जाएगी, -5 दी पावर 6। ऐसे ही थर्ड में 2/3 हमारा बेस होगा, 9 और 4 क्या है, पावर है, माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा 2/3 दी पावर 5। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में -3/5 हमारा बेस है,
पावर डिफरेंट है 11/4, इसमें भी पावर माइनस हो जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा, -3/5^7। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जैसे हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन किया ऐसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे पावर की भी पावर है, तो यहाँ पे पावर की पावर भी चढ़ी हुई है। अब देखते हैं फर्स्ट, अब इन क्वेश्चन में देखिए बेस एक दिया हुआ है लेकिन इसकी पावर डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि पावर की भी पावर चढ़ी हुई है। तो इसमें हमारा सेकंड रूल लागू होगा, जिसमें ए दी पावर एन होल दी पावर एन, तो पावर क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे 5 बेस और पावर 3 और 2 एम और एन लिया, तो पावर क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5^6। सेकंड में बेस हो गया हमारा -7, पावर 3 और 7 एम और एन ले लेंगे, आपस में क्या होंगी पावर मल्टीप्लाई, तो -7^21। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में -1^9 होल दी पावर 8 एम एन, तो -1^ कितनी हो जाएगी, 72। 9 और 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। फोर्थ क्वेश्चन में बेस हमारा होगा 15/26, 3 और 5 पावर की भी पावर, तो आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई, तो 15/26 की पावर 15 हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन -18/31 में 4 होल दी पावर 5, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई होगा पावर का आपस में, तो आंसर क्या आएगा, -18/31^20। नेक्स्ट में क्या है, -3/13 होल दी पावर 5 एंड 4, तो क्या होगा, -3/13 हमारा बेस और पावर 5 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा -3/13^20। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये आप लोग कर पाएंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 18B में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था, ऐसे ही यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे, ये आप लोग कर पाएंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करने से पहले एक नियम पढ़ेंगे हम, एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू पावर 0 = 1। अगर ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई नंबर है और उसकी पावर 0 है, तो वो नंबर हमेशा 1 काउंट किया जाएगा। यहाँ पे 2^0 इट मीन्स 1, -5^0 इट मीन्स 1, यानी कि जहाँ पे 1 की पावर या किसी डिजिट की पावर 0 चढ़ी हुई है उसको 1 लेके करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आंसर 1। आई होप आप कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में 3 × 5 × 7/3+5+7^0 है, तो 1 × 1 × 1 = 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड लगा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, 1/3। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 × 25 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद बेस 5। अब इसका बेस क्या बनाना है, 5, तो सबसे पहले 25 को हम जानते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 कितने टाइम्स हो जाएगा, 8, तो बेस हमारा 5^8। सेकंड क्वेश्चन दिया है 5² × 5³/5। अब इसमें सबसे पहले हम रूल्स लगाएंगे जो हमने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पढ़े, तो यहाँ पे देखेंगे तो ब्रैकेट के यहाँ 5^2 एंड 5^3, इसमें हमारा फर्स्ट रूल लागू होगा, m + n लगेगा, तो 5^2 + 3 5^5। अब डिवाइड 5/5 आया, जब डिवाइड का रूल पढ़ा था तो दो रूल, डिवाइड के रूल में हमारी पावर क्या होनी थी आपस में माइनस, तो 5^5 माइनस होगी, तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा, 5^0। इट मीन्स 5^0, यानी कि यह हमारा क्या हुआ, 1 कहलाया 5^0। अब पावर ऑफ 2 की लगाना था, अब यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ रहा है, इट मीन्स या तो हम 5^0 लिख सकते हैं या इसका बेस 2 बनाना था तो 2^0 ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी हमारा 1 होगा और वो इसका मतलब भी 1 होगा, तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम, 2^0। 8 नंबर क्वेश्चन दिया था, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि हमने
18 पी में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जितना टाइम दिया था उतने टाइम लिख के जो कट हो रहे थे उनको कट किया था और विदाउट कट को सॉल्व किया था। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो 12 दी पावर 4 मल्टीप्लाई 9 दी पावर 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 8 6 दी पावर 3 8 दी पावर 2 27। इसको सबसे पहले हम पावर्स को लिख लेंगे उतने टाइम और इनको कट करके देखेंगे। तो कट करने के बाद हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 फोर टाइम 3 एंड 2। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 162। ऐसे ही सेकंड को क्वेश्चन करेंगे, जितने टाइम्स पावर लगी हुई हैं उतने टाइम पावर से उनको लिखेंगे और उनका अगर आपस में कट होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो उसको कट करके लिखेंगे। तो इसको जब कट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 72900। थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी ऐसा करेंगे, जितने टाइम पावर लिखी हुई है उतने टाइम पावर को हम लिखेंगे, उतने टाइम उस नंबर को लिखेंगे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर कट होता है तो उसको कट करके लिखेंगे। तो थर्ड का क्वेश्चन आंसर आएगा 24/45। फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो फोर्थ को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 64/441। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर में डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई लिखा और सिर्फ एक डिजिट, क्योंकि यहाँ पे ये डिजिट है तो सिर्फ हम क्या करेंगे इसमें जो हमारा 3/4 है इसको बस हम 4/3 करके लिखेंगे, बाकी वैल्यू सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई में रहेंगी। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा -1/6। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि बेस हमारा सेम है और पावर डिफरेंट, तो यहाँ पे हम लॉ का यूज़ करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट में हमारा कौन सा लॉ लगेगा, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो फर्स्ट में हमारा ए एम प्लस एन वाला रूल लग जाएगा, तो 3/5 दी पावर 9 प्लस 3 12 हो जाएगी। सेकंड में हमारा डिवाइड में दिया हुआ है तो डिवाइड में थर्ड वाला रूल लग जाएगा, ए दी पावर एम माइनस एन, तो 15 माइनस 3 3/2 दी पावर 12। अब बीच में डिवाइड दिया हुआ था, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए देखते हैं इसको भी आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन -1 दी पावर 9 मल्टीप्लाई -1 दी पावर 7 इक्वल टू -1 दी पावर n। अब यहाँ पे फर्स्ट रूल लगाते हैं हम ए दी पावर एन माइनस ए दी पावर एन वाला, जिसमें हमारा क्या होगा एम प्लस एन, पावर आपस में क्या हुई एड, और यहाँ पे माइनस वन लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस सेम है -1 तो एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16। सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे 27 मल्टीप्लाई 3 दी पावर n बाय n प्लस 2 इक्वल टू 3 243। तो यहाँ पे 27, यहाँ पे हमको n निकालना है तो n के साथ में जो वैल्यू है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको 1 कर लें तो 243 के नीचे क्या आएगा हमारा 27। इसको सॉल्व करेंगे तो 9। अब यहाँ पे हम 9 को देखते हैं तो 9 किससे होता है हमारा 3 3, यहाँ पे 3 दी पावर n प्लस 2 इक्वल टू 3 दी पावर 2। अब यहाँ पे हम सिर्फ पावर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेस हम अलग कर लेते हैं और पावर पावर ले लेते हैं तो n प्लस 2 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी 0। ऐसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम सबसे पहले डिवाइड में लिखेंगे फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 दी पावर 2 n प्लस 1 इक्वल टू 5 दी पावर 3 मल्टीप्लाई 25। अब 5 को भी हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम 255 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 दी पावर 2 प्लस n, फिर 5 दी पावर 3 5 दी पावर 2। यहाँ पे देखिए हमारा एक लॉ लागू हो रहा है, फर्स्ट नियम ए दी पावर एन प्लस एन, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 दी पावर 5। अब यहाँ पे इसके बाद में हम पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो 2n प्लस 1 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 2n 1 दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 2n इक्वल टू 4,
एन की वैल्यू क्या जाएगी, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा -3/11^3 मल्टीप्लाई -3/11^21 इज इक्वल टू -3/11^3/n। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ लागू हो रहा है, तो जिसमें हमारी पावर क्या होंगी, m और n ऐड होंगी, तो -3/11 पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 24। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम देखते हैं तो दोनों का बेस सेम है, तो अब कंपैरिजन किसका हुआ पावर का, 24 = 3n। अब n से हम डिजिट को अलग करेंगे तो डिवाइड में लेंगे, तो 24/3, तो n की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, 8। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/7^3 3/7 और यहाँ पे पावर 3। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नियम लागू होता है हमारा, थर्ड रूल, जिसमें पावर की पावर अगर चढ़ी होती है तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3/7 3/7 इट मीन्स 3/7 21 पावर आई। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों साइड बेस क्या हैं, सेम है हमारे पास में, तो यहाँ पे पावर का कंपैरिजन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 21 = 3n। अब n के साथ जो डिजिट है उससे हम डिवाइड देंगे 21 को, तो आंसर क्या आएगा n का, 7। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा पावर की पावर लगी हुई है, इट मींस आपका थर्ड लॉ लागू होगा इसमें, जिसमें पावर की पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई, तो यदि पावर m और यदि पावर n, तो 2 और 6 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो -5/11 कितनी आ जाएगी, 12। अब पावर का आपस में कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, सेम, तो 11 = n + 5। अब n के सामने 5 प्लस में है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 - 5 = n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 7। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 18D के क्वेश्चंस के भी हम सॉल्यूशन देखते हैं इस चैप्टर में। अब सबसे पहले डी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 decimal and 100 इंक्लूडिंग 1 and power of 10 इज सेड टू बी इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मीन्स अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसको 10 की पावर में ही लिख रहा है तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो फर्स्ट में हमको नंबर दिया हुआ है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि नंबर लिखने के लिए 1 नंबर हमको लेना होगा और उसके बाद जितने नंबर हैं उतने नंबर हम काउंट कर लेते हैं। तो हमारे नंबर कितने हैं, 6, तो 7 डेसिमल लगाएंगे, फिर 590087 और जितने नंबर्स हैं उसको 10 की पावर। 7 के बाद कितने नंबर आए थे हमारे, 6, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 7 decimal 590087 10 की पावर 6। सेकंड में भी हम देखेंगे, सेकंड में 1 डिजिट को हम एज इट इज रखेंगे, इसके बाद नंबर्स काउंट कर लेंगे तो कितने हैं, 7, तो 5 decimal 08। अब यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे और 10 की पावर 7, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 5 decimal 08 10 की पावर 7। ऐसे ही थर्ड नंबर में करेंगे, थर्ड नंबर में 1 डिजिट को रखेंगे, उसके बाद के डिजिट काउंट करेंगे तो कितने डिजिट हैं, 9। अब 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लिख देंगे और उसके बाद में डिजिट लिख के 10 की पावर 9 लगा देंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ में स्टैंडर्ड फॉर्म, 6 decimal 003 10 की पावर 10। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए पावर लगी हुई है और इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मीन्स जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया था, अब स्टैंडर्ड फॉर्म से हम यूजुअल फॉर्म बना रहे हैं, तो जितने टाइम पावर लगी है 10 की उतने टाइम 10 को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 4320000। ऐसे ही सेकेंड का आंसर 594 और 5 times 0।
घाट का आंसर 9346, क्योंकि 10 11 टाइम है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 टाइम 8 टाइम 0, 4th में 10 द पावर 8, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 9 7 टाइम 0। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया था, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, वन डिजिट सामने की पहली डिजिट को रख के उसके बाद में उसके डिजिट को काउंट किया, डेसिमल लगाया, और जितनी डिजिट उस नंबर के बाद हैं काउंट के बाद, उतनी डिजिट का हमने 10 द पावर लगा दी। तो फर्स्ट का क्या हो गया, 1 डेसिमल 678, कितने नंबर हैं वन के बाद, 9, तो 10 द पावर 9। फिर सेकेंड, सन एंड सैचुरिन की डिस्टेंस, नंबर कितने हैं हमारे टोटल वन के बाद, 12, तो 1 डेसिमल 43 मल्टीप्लाई 10 द पावर 12। ऐसे ही इंडिया मेल पॉपुलेशन, नंबर कितने हैं 6 के बाद डेसिमल, 237, कितने नंबर, 8 10 द पावर 8। मास ऑफ अर्थ 597, जीरो काउंट किए 24, तो 10 द पावर 24। यूरेनस की डायमीटर 5715200, तो 5 को लिखा, डेसिमल लगाया, जितने नंबर आए 5 के बाद उतना, 10 द पावर 7। अब सी नंबर एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। फोर्थ नंबर दिया हुआ है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो जैसे कि हम छोटी क्लासों में करते थे कि जितना हमको नंबर दिया है उसके बाद 10 द पावर 4 लिख के उसको मल्टीप्लाई करके लिखते थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, 6 मल्टीप्लाई किस प्लेस पे है, टेन थाउजेंड के प्लेस पे, तो 10,000 प्लेस एंड थाउजेंड, फिर 100 प्लस 1s, ऐसा हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते थे। चाहे तो आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिख लें, या ऐसे इसके नंबर काउंट करके 10 द पावर लगाते जाएं। अब इसको सबसे आसान लिखने का तरीका, लास्ट से 10 की पावर लगाते जाएं और नंबर लिखते जाएं, जैसे कि 3, तो 3 में 10 की पावर 0, 0 10 द पावर 1, 6 में 10 द पावर 2, 5 में 10 की पावर 3 लगेगी, 9 में 10 की पावर 4 एंड 7 में 10 की पावर 5। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, तो ये आप कर पाएंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ था, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे हम। तो फर्स्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म 74089, सेकेंड का 8602351 एंड थर्ड का 9753 97। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और उसके आंसर देखेंगे। थैंक यू।